अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स एक्सरसाइज क्लास 5 एंड आवर टॉपिक नेम इज एक्सरसाइज 6B। जैसे कि कल हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज हमने 6A की थी, आज हम एक्सरसाइज 6B करेंगे। यहाँ पर उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है, कंप्लीटर टेबल। उसमें उसने हमें क्या पूछा है, डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज। यानी उसने कुछ हमें नंबर दिए, कुछ उसने डेसिमल में दिए, हमने उसको फ्रैक्शन में और परसेंटेज में चेंज करना है। कुछ उसने हमें परसेंटेज में दिए, उसको हमने फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज करना है। कुछ उसने हमें फ्रैक्शन में दिए, उसको हमने परसेंटेज और डेसिमल में चेंज करना है। फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास टेबल में उसने डेसिमल में एक नंबर दिया है 0.27, इसको हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। ये बात याद रखिएगा, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो जो हमारे पास परसेंटेज में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास 100 होगा। अब यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हमारे पास क्या है 0.27 है, तो मैंने इसकी फ्रैक्शन है निकालोगे तो फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, हमारे पास 0.27 है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है उसकी स्पेस पे हम क्या लिखेंगे 1, और आगे हम काउंट करेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं उतनी हम 0 लगा लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये क्या है 0.27 है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 2 से पहले आ रहा है। पॉइंट के स्पेस पे यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया, यहाँ पर मैंने 1 लगा लिया है। अब पॉइंट के बाद मेरे पास 2 नंबर आ रहे हैं, 2 और 7, तो मैंने 2 नंबर आए थे तो मैंने क्या लगा लिए, 2 0 लगा ली। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगी 27/100। 100 दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैसा है, हमारे पास जो पॉइंट में नंबर दिया हुआ था डेसिमल में 0.27, तो मैं हमने क्या कर लिया था, हमारे पास जो पॉइंट है वहाँ पर हमने 1 लगाया था, उसके पास जितने नंबर थे उतने हमने 0 लगा ली थी। जो हमारे पास 27 होगा उसको हमने नोमिनेटर के स्पेस पे लिख लिया। हमारे पास जो फ्रैक्शन में नंबर आएगा 0.27 को, हमारे पास आ जाएगा 27/100। अब परसेंटेज में, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो हम जब हमने किसी चीज़ के परसेंटेज मालूम करेंगे तो 100 में करेंगे। जानिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर की जगह पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो 100 आएगा, 100 में से हम परसेंटेज मालूम करेंगे, और जो हमारे पास जो नोमिनेटर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज होगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, नोमिनेटर के प्लेस पे 27 आ रहा है, तो इट्स मीन ये हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 27, और परसेंटेज का ये साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया, हमें परसेंटेज दी हुई, इसकी हमने क्या मालूम करनी है, फ्रैक्शन और डेसिमल मालूम करनी है। यहाँ पर उसने हमें 12% परसेंटेज दी हुई है। अब हमने इसको, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, जो हमारे पास 12% हमारे पास क्या आती है, परसेंटेज थी, उसको मैंने डेसिमल और फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो परसेंटेज है हमने क्या कहा था, हमने उसको 100 में से काउंट करेंगे। अब मैंने जहाँ पर पहले फ्रैक्शन मालूम कर लिया, मैंने क्या लिख लिया, हमारे पास जो 12 है उसको मैंने नोमिनेटर के स्पेस पे लिख लिया, जो मेरे पास डिनोमिनेटर के स्पेस पे आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। यानी कि हम परसेंटेज जब हम करेंगे तो हमने उसके लिए ये करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी जो परसेंटेज का साइन था उसको यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया, मेरे जो हमारे पास नोमिनेटर की स्पेस पे थी वो हमारे पास 12 थी, और जो हमारे परसेंटेज में 100 इससे आ जाएगा, तो ये हमारे पास 12/100 मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। अब हमने डेसिमल मालूम करना है, तो हमने क्या कहा था, जो हमारे पास जैसे ये हमारे पास क्या है 12/100। अब हमारे पास देखोगे आप, हमारे पास 1 के बाद 2 0, इट्स मीन ये 1 और 2 हमारे पास 2 नंबर थे, जो हमने यहाँ पर 2 0 लगा लिए, और 1 से पहले हमारे पास क्या था, पॉइंट था, तो वहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1 ले लिया। अब हम जब डेसिमल में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे इसको 0.12। पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा इसको हम 1 अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे, यानी 1 2 करेंगे, ठीक हो गया। दोबारा कर रही हूँ, मैंने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, हमारे पास जो 12 नंबर था हमारे पास परसेंटेज थी, परसेंटेज में जब हम फ्रैक्शन मालूम करेंगे तो हमने पढ़ा है पीछे से, जब हम परसेंटेज मालूम करेंगे तो वो हमेशा 100 में से होगी। तो हमारे पास ये क्या है, 2 नंबर है, तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर 100 लिख लिया, क्योंकि 100 में से परसेंटेज मालूम करनी थी। अब हमारे पास जो वो 0.12 आया, मैंने क्या कहा था, हम देखेंगे हमारे पास कितने नंबर होंगे उतनी हम 0 लगा लेंगे, 2 नंबर हैं, यानी यहाँ पर देखोगे 2 0 से, ये 2 नंबर मेरे पास 1 और 2 है, और 1 और 2 से पहले हमारे पास क्या था, पॉइंट
पॉइंट था उसके स्पेस पे मैंने क्या लगा लिया, वन लगा लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.12। आगे जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है 56/100। 56/100 इसके मैंने क्या करना है, डेसिमल मालूम करने और परसेंटेज मालूम करने। परसेंटेज हमने कहा था हम हमेशा 100 में से निकालते हैं, 100 में डिनोमिनेटर की प्लेस पे हमारे पास 100 होगा और जो हमारे पास नोमिनेटर होगा वो हमारे वो नंबर होगा जो हमारी परसेंटेज होगी। जो हमारे पास 56 है तो इसमें जो हमारे पास जो परसेंटेज है वो 56 है जो नोमिनेटर की प्लेस पे है। अब हमने डेसिमल लगाने, अब देखिएगा आप हमारे पास 56 टू नंबर हैं तो ये दो जो हमने जीरो लगाई हैं ये 5 और 6 की है। अब हम देखें ये 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 इससे कहाँ पे आएगा हमारे पास 5 से पहले जो पॉइंट होगा उसके स्पेस पे हम 1 लगाएंगे, इसमें ये 100 हमारे पास ऐसे आया है। अब हम इसको डेसिमल में चेंज करें तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 6 को वैसे ही रहने देंगे, हमारे पास जो 1 के कौन से प्लेस पे आ रहा था 5 से पहले आ रहा था तो वो पॉइंट वहाँ पर लगा देंगे, उससे पहले हम 0 लगा देंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 6 भी समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास नंबर डेसिमल में दिए हैं तो उसको फ्रैक्शन और परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, अगर परसेंटेज में दिए उसको फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे चेंज करना है, अगर डेसिमल में दिए गए हैं तो आपने उसको फ्रैक्शन और परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो आपको ये समझ आ गई होगी, अगर ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और आपको होमवर्क आप जो एक्सरसाइज 6B लर्न प्लस राइट करोगे एज असाइनमेंट और वीकेंड पर सबमिट करवाओगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।